आस्था का महापर्व छठ एमपी में भी बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। राज्य के कई शहरों में घाटों पर सैकड़ों की संख्या में व्रती डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने के लिए पहुंचे और भगवान सूर्य को नमन किया। इस मौके पर भोपाल के शीतलदास बगिया घाट पर एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें खुद सीएम शिवराज पहुंचे और लोगों को छठ की बधाई भी दी। ये छठ मैया का पर्व आज पूरे देश का पर्व है। ये सही है कि बिहार से प्रारंभ हुआ और बिहार तो वैसे भी देश की जान है, बिना बिहार के देश नहीं चल सकता, हिंदुस्तान का काम नहीं चल सकता। अरे देश क्या दुनिया में बिहारी बसे, लोगों के काम धंधे खेती सब बंद हो जाए और दिमाग भी सबसे ज्यादा टैलेंट अगर कहीं है तो अभी यूपीएससी की परीक्षा में देख लो वो बिहार से ही निकल के आया है। सचमुच में बिहार गर्व करने लायक प्रदेश, बिहार के हो उत्तर प्रदेश के हो हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहां सवाल। और मध्य प्रदेश भी आपका ही है, दूसरा नहीं है, अपना सबका प्रदेश, क्योंकि हम अपनी मेहनत से अपने परिश्रम से इस प्रदेश को भी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए बहनों और भाइयों आपके बीच आकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं और आपको ये वचन देता हूं, छठ पूजा महापर्व के इस अवसर पर कि मध्य प्रदेश की सरकार और ये मामा हमेशा आपके साथ खड़ा हुआ है। कठिन व्रत है मेरी बहनें कर रही, 72-72 घंटे का, चौथ के दिन नहाए खाए के शुरू हुआ व्रत, उसके साथ आराधना पूजा, ये अद्भुत परंपरा और पद्धति है। कप्तान सिंह जी कह रहे थे कि प्रकृति की पूजा है और आज तो डाला छठ पूजा, डाला डाला में अलग अलग तरह के पकवान। मैं इस परंपरा को प्रणाम करता हूं। जबलपुर के नर्मदा तट पर स्थित गुआरी घाट पर भी छठ की छटा देखते बन रही थी। यहाँ पर हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु ने डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया और सुख शांति की कामना की। आपको बता दें कि पूरे देश में छठ काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसमें आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, जबकि अगले दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देने की परंपरा है। जबलपुर से धीरज शाह की रिपोर्ट, एमपी तक।